दौसा जिले के लालसोट में कोथून रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लेकिन अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल जिस अस्पताल पर परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे थे, उसी अस्पताल के डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। प्रसूता की मौत मामले के बाद अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी कर ली, जिसके चलते मामला और भी पेचीदा हो गया है। अभी पुलिस प्रसूता की मौत का कारण भी नहीं जान पाई थी कि अब मामले में डॉक्टर की आत्महत्या की थ्योरी भी जुड़ गई है। बताया जा रहा है कि प्रसूता की मौत को लेकर डॉक्टर ने आत्महत्या की है। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस सुसाइड नोट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसके चलते डॉक्टर की आत्महत्या की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। तो अभी तो सुसाइड हुआ है, अभी इनका पोस्टमार्टम चल रहा है, आगे जैसे ही उसके अंदर रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल कोई इस हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट हुआ था, किसी प्रसूता की एक मौत हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और उसी की आगे कंटिन्यूशन में आज जो डॉक्टर थी जिन्होंने कल इलाज किया था उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब उसमें जो भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी उस तरीके से कार्रवाई की प्रथम दृष्टि अपने सुसाइड तो किया ही है, वो क्लियर है, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। नोट भी छोड़ दिया बताया, सुसाइड नोट छोड़ा है, क्या है उसमें वो डिटेल्स आएंगी, उसके बाद उनके परिजन किस तरह की FIR देते हैं वो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे लालसोट पंचायत खेमावास का मैटर है और ये लालू राम की वाइफ आशा देवी जो कि महिला चिकित्सालय लालसोट इसने दिखाया था कल और उसको जयपुर रेफर कर दिया था। इन्होंने डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर आनंद हॉस्पिटल से फोन गया और इन्होंने इसको कहा कि भाई तेरी लालसोट अच्छे से डिलीवरी कर देंगे, आप लालसोट आ जाए। वो लालसोट आ गए और इन्होंने यहाँ एडमिट करवा दिया। सुबह आज सुबह 9 बजे डिलीवरी हो गई, डिलीवरी में बच्चा हुआ। उसके बाद लेडीज को ब्लडिंग रुकी नहीं और इन्होंने ब्लडिंग के चक्कर में ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट में महिला की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात शिशु को, जबकि नियम है 48 घंटे का प्रोटेक्शन में रखने का हॉस्पिटल प्रशासन का, उसको भी मत महिला को और बच्चे को दोनों को खुद की प्राइवेट गाड़ी में, ये पति हो गया बेहोश, और दोनों तीनों को उठा के और हॉस्पिटल से सीधा इनके घर छुड़वा दिया। फिर इनके रिश्तेदारों को पता लगा, जब जाके हम यहाँ वापस आए और हम ये चाहते हैं कि इस अस्पताल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मृतका डॉक्टर अर्चना शर्मा के घर में पारिवारिक कलह भी चल रही थी, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या पारिवारिक कलह की वजह से डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी की है या फिर अस्पताल में हुए प्रकरण को लेकर मौत को गले लगाए है। बहरहाल वजह जो भी रही हो, पुलिस के लिए इस पूरी थ्योरी को समझना काफी मुश्किल हो रहा है। एक ओर प्रसूता की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का प्रेशर है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की गुत्थी सुलझानी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कब तक पूरी तरह से सुलझा पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।